मुझे पुराना पाकिस्तानी चाहिए, पुराना पाकिस्तानी चाहिए। ये ऐसे कि जैसे जब आदमी दूसरी शादी कर लेता है कहना मैंने पुरानी बुढ़ी सही सी और दूजी नहीं सही। सबको गड़ा होश है, उनको क्या पता है, सुबह उठ के सोए पड़े होते हैं, जो उस तकरीर को लिखते वो बोल लेते हैं, उन्हें बेचारों को क्या पता। सही सही। वो एक मजलूम बंदा मैं कहती हूँ, अदाकार है बेचारा एक। अच्छा, वो खासा अदाकार है। आपकी अपनी राय होगी, मेरी अपनी राय है। बिल्कुल। एक साल रह गया इसके पीछे। अल्लाह करे आपकी जुबान मुबारक को, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी। किस बात की मिठाई? ये जो एक साल रह गया है। तो क्या ख्याल है फिर खान साहब को? हम तो याद है खान साहब दोबारा मुसल्लत हो गए 5 साल। नहीं 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 होंगे। फिर आप क्या करेंगे? नहीं 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 होंगे इंशाल्लाह। फिर मुल्क छोड़ जाएंगी? नहीं नहीं मुल्क तो नहीं छोड़ूंगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से, मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह नहीं होंगे। तो खान साहब तो कहते हैं आपने घबराना नहीं, तो आप क्या कहेंगे उनको? नहीं नहीं घबराते रहे, खान साहब को कड़ा होश है, उनको क्या पता है, सुबह उठ के सोए पड़े होते हैं, जो उस तकरीर को लिखते वो बोल लेते हैं, उन्हें बेचारों को क्या पता। सही सही। वो एक मजलूम बंदा मैं कहती हूँ, अदाकार बेचारा एक। अच्छा, वो खान साहब अदाकार है। तो अच्छा, किसको आना चाहिए? खान साहब को माइनस करें, किसको आना चाहिए आपके ख्याल में इस दौर में जो सही टू अवामी लीडर है, कौन है? मैं आपको एक बात बताऊँ, फरिश्ता कोई भी नहीं, सियासत इस्लाम में है ही नहीं, पहली बात है। अगर इस्लामी नजरिए से देखते हैं तो सियासत नहीं, खिलाफत है, इमामत है। ना यहाँ खिलाफत आ सकती, ना इमामत तो आ ही नहीं सकती ना। तो अब ये कि हमने ऐसा बंदा चुनना है जो बुरा हो, लेकिन इतना बुरा ना हो कि हमें सांस ना लेने दे। अब मैं चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब बन जाए वज़ीर आज़म। शहबाज शरीफ साहब? हाँ, क्योंकि वो मुझे वैसे पहले शुरू से वैसे भी पसंद है, और मैं ही समझती हूँ कि जो उनका दौर था ना, मैं अब ये कहती हूँ कि वो बहुत अच्छा था। चाहे वो उसको ये लोग कहते हैं कि उन्होंने बड़ी जो भी उनके बारे में नाम रखे हैं, लुटेरे लुटूरे जो भी, मैं ये कहती हूँ दामन किसके पास है इनमें से। चाहे वो कुछ खाएं खाते रहें, अमाम तो ठीक है ना, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। ठीक है, यानी कि पुराना पाकिस्तानी चाहिए। हाँ जी, मुझे पुराना पाकिस्तानी चाहिए, पुराना पाकिस्तानी चाहिए। ये ऐसे कि जैसे जब आदमी दूसरी शादी कर लेता है कहता मैंने पुरानी बुढ़ी सही सी और दूजी नहीं सही। पहली बीट को। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा और, आज मसूद अख्तर साहब का इंतकाल हुआ, इससे पहले पप्पू साईं चले गए, उमर शरीफ साहब चले गए, बड़े बड़े ये है ही मनहूस बड़ा, लता मंगेशकर जी चली गई। आपके ख्याल में जो संजीदा लोग थे, क्या ख्याल है उनका दौर खत्म हो गया इस दौर में? हाँ, इस माशरे में अब उनका कोई मुकाम नहीं है, वो जा रहे हैं खुद। देखिए बात पता है क्या है, हमारे मुल्क में जो है ना, सबसे बड़ी पहली तो वजह, फिर मैं औरत की बात करूँगी, आज की औरत अपने बच्चों को ना तरबियत नहीं देती। अब आप पूछें क्यों नहीं तरबियत देती? औरत सारा दिन बैठी है जी मोबाइल पर, शौर कमा रहे बाहर, बच्चे को कोई पता नहीं, बच्चे ने ट्यूशन पर जाना है, फिर वहाँ से मौलवी के पास दोबारा पढ़ने जाना है, फिर उसने घर आके कार्टून देखने वो डोरेमोन, उसके बाद उसने सो जाना है। ठीक है ना, माँ को ये पता है कि उसने बच्चे को वैल्यूज़ बतानी है, क्या हमने करना है, तो वो आगे से बच्चे भी फिर वैसे इंसान बन रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं कि ऐसे इंसान जब बनेंगे जिन्हें कोई तरबियत नहीं पता, जिन्होंने तोते की तरह ना वो स्कूल का सबक भी रट लिया, कुरान भी रट लिया, पता कुछ भी नहीं लिखा गया हुआ है, तो मुझे ये बताएं फिर वो क्या मुआशरा तरक्की करेगा? चले फर्ज करें एक दिन के लिए आपको सारे इख्तियार दे देते हैं, एक दिन के लिए आपको, एक दिन के लिए सर ऑल इन ऑल बना देते हैं इस पाकिस्तान का, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो है ना, मैं इंसाफ का कानून, यानी कि मैं जजा और सजा का कानून बनाऊंगी। तो वो तो है पाकिस्तान। वो सिर्फ कागजों में, यानी कि अगर जो जनाकार है ना, उसको मैंने ना वहां नहीं पहुंचने देना थाने में, उसको मैंने चौक में टांग कर उसको वहीं पर खत्म, उसका खत्म किस्सा। जब एक उसकी बेटी कह रही है कि मेरा बाप जनाकार है, इसने ये किया है, बस वहीं ख़त्म उसको मैं करूँगी। मैं उसको अगले थाने कचहरी वाला काम ही कोई नहीं, मैं ये करूँगी सबसे पहले मैं लोगों की इज्जत की हिफाजत, औरतों की इज्जत की हिफाजत, इसका काम करूँगी। कोई आदमी ज़बरदस्ती किसी और के साथ करे, उसके लिए कोई छूट नहीं। हाँ, अपनी मर्ज़ी से अगर कोई करते हैं वो तो फिर करते हैं, उनको वो अपने जाने, अल्लाह जाने उनको, ठीक है। लेकिन जिसने ऐसे किया उसकी ये बनाऊँगी। उसके बाद जी मैं पर्दा जो है ना, हालांकि मैं शो बिज़नेस करती हूँ, पर्दे के बगैर मुझे कोई औरत नजर ना आए, जो नजर आएगी मैं उसके शौहर को 50,000 जुर्माना लूंगी। तो फिर तो आप मौलवी हुए ना? ना मौलवी की क्या बात तो है, मौलवी भी, ये नहीं, तो मौलवी और हमें फर्क क्या रह गया? नहीं मौलवी नहीं, देखिए इस्लाम ही कहता है, हम अब मजबूरी में काम कर रहे हैं शो तो आप मौलाना फजल रहमान वाली बातें कर रहे हैं? नहीं, मौलाना फजल रहमान नहीं, देखें मैं तो ये करूंगी, अगर मुझे बना देना तो मैं, मुझे कई लोगों ने कहा जी आपके बंदर के अजायम बड़े सख्त है, मैंने कहा बिल्कुल सख्त है। मैंने कहा मैं अंदर से बहुत सख्त इसलिए हूँ कि मैं समझती हूँ मैं ही काम जो कर रही हूँ ये करना नहीं चाहती थी। मैं अगर एज ए सिंगर आई हूँ तो मैं ही बाय चांस आई हूँ, मेरी प्लानिंग में नहीं था ये। मैंने कहा मेरी प्लानिंग तो कुछ और थी, लेकिन मैं इसमें आ गई ना चाहते हुए भी, लेकिन वो काम मैं कर रही हूँ। मैंने मेरा रिस्क शायद इसके साथ मुंसलिक हो गया था, या अल्लाह ने मुझे आजमाना था कि मैं इस फील्ड में आके क्या क्या करती हूँ, क्या मैं अच्छाई करती हूँ, क्या मैं बुराई करती हूँ, मैं नहीं डाल देती हूँ, क्योंकि हर काम में ना अल्लाह ताला की कोई मसलियत होती है। तो बहरहाल मैं ये पर्दा करूँगी पहले तो,
फिर अगले स्टेप उठाऊंगी। जब ये मेन स्टेप है देखें, जब ये चीज़ें हो जाएंगी ना तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होंगी। जब कानून सख्त होगा, पर्दा आम होगा, तो फिर उसके बाद बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी।